अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को ट्रू कलर चैनल में खुश आमदीद। जिस तरह आप देख सकते हैं बाबे डेरा, तो आज हम जो है वो डेरा इस्माइल ख़ान सिटी की जो है वो आपको शेयर कराएंगे और डिफरेंट जो है जो बाज़ार है उनके जो है मुतालिक आपको बताएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो इससे पहले भी बहुत से दोस्तों ने डेरा इस्माइल ख़ान सिटी के मुख्तलिफ़ बाज़ार और रोड जो है तो उसके मुतालिक काफ़ी सारी वीडियो बनाई, तो मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आएगी। तो ये अभी हम मौजूद है जो जो डेरा इस्माइल ख़ान के लोग हैं, ये घास मंडी बाज़ार है, और जिस तरह आपको पता है कि डेरा इस्माइल ख़ान सिटी के चारों तरफ एक रिंग रोड है, तो उसके डिफरेंट गेट्स है और लगारी गेट, और ये फिर सोहन हलवा तोपो वाला बाज़ार, और उसके साथ साथ फिर ये जो है वो सिंध की तरफ या इंडस हाईवे की तरफ यहाँ से रोड जाती है, और फिर आगे सब्जी मंडी, और डेरा इस्माइल ख़ान का मशहूर चर्च जो काफ़ी मशहूर है, जो बिल्कुल सब्ज़ी मंडी के साथ है, और फिर आगे यहाँ से आप डेरा इस्माइल ख़ान यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, फेमस चौगल्ला जिसके चारों अतराफ पे जो है वो डिफरेंट बाज़ार है, मुस्लिम बाज़ार और बाकी सारे जो है चारों अतराफ पे जो है वो इसके बाज़ार है, अभी साहब आपको नज़र आ जाएंगे। तकरीबन मैंने कोशिश की है कि सारों जो बाज़ार है उसको कवर किया जाए। तो ये अब भी हम तोपो वाला बाज़ार है जो काफ़ी मशहूर है और मेन रोड पर भी है, और स्पेशली जो लोग सोहन हलवा लेते हैं तो वो इसी बाज़ार के बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है वो सोहन हलवे की काफ़ी सारी दुकानें हैं, तो वो लोग बिल्कुल यहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो है मशहूर डेवू अड्डा है, तकरीबन पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों से यहाँ के लिए जो है बस सर्विस चलती है, इसके साथ फिर बनू अड्डा और मेन अड्डा भी है, और दीर खान एग्रीकल्चर लैंड है ज़्यादातर, तो बहुत सारे जो है वो ट्रैक्टर यहाँ से जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं बाकी सारी सिटीज़ को। तो ये मुस्लिम बाज़ार है, मुस्लिम बाज़ार काफ़ी मशहूर फेमस बाज़ार है, और उसके साथ फिर बाकी सारे बाज़ार जो है वो कमिश्नी बाज़ार हो गया, और भाटिया बाज़ार भी काफ़ी मशहूर है डी खान का, और मेरी आज की वीडियो हिस्ट्री के मुतालिक नहीं है, डी खान की हिस्ट्री या जो है उसके जो बाकी सारे एरिया है, मेरे जो मेन मकसद है वो एक छोटी सी वीडियो थी जो मुख्तलिफ बाज़ार है, मिसगरा बाज़ार ये हो गया, उसके साथ फिर कमिश्नी बाज़ार, भाटिया बाज़ार, सदर बाज़ार हो गया, तो उसकी एक छोटी सी वीडियो थी। जो लोग बाहर रहते हैं या मुल्क से बाहर है या डी खान के लोग हैं या जो है इवन पाकिस्तान के लोग हैं, तो उनको जो है डी खान की सकाफत और मुख्तलिफ बाज़ारों के बारे में पता चल सके, तो एक छोटी सी कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी।
ये जो अभी हम है जिस बाज़ार में, ये पवंदा बाज़ार है, काफ़ी मशहूर है। और फिर इसके साथ इमामिया गेट है, इमामिया गेट बाज़ार हो गया इसका, वो भी बिल्कुल इसी के करीब है। और फिर सदर कैंट बाज़ार भी है, तो मेन इंडस हाईवे भी इसी के बाज़ार, बिल्कुल मेन लिया खान की सिटी पर गुजरती है। लेकिन अभी तो जो है वो बाईपास बन गया, तो ज़्यादातर लोग बाईपास ही यूज़ करते हैं। और बाकी जो हो गया सर्कुलर रोड हो गया, तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि पूरे जो है वो अली खान से एक सर्कुलर रोड गवर्नमेंट ने बनाई है, जो गेटेड सिटी थी या गेटेड कम्युनिटी कम्युनिटी थी, तो वो अभी पुराना जो डी खान था, तो वो जो है वो जिसके चारों तरफ गेट थे, तो वो अभी भी इंटेक्ट है और उसके इर्द गिर्द अब सर्कुलर रोड बना हुआ है। तो एक छोटी सी कोशिश थी, और बाजार कला है ये। बाकी मतलब मैंने कोशिश की है कि सारे जो सारे बाज़ार है उसको मैं कवर कर सकूं, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो डी खान से जो है स्पेशली, तो उन लोगों के लिए वो अक्सर जो है काफ़ी अरसे से जो है वो अपने शहरों में नहीं आते, कभी 5 साल बाद, 8 साल बाद। तो एक छोटी सी कोशिश थी। और बाकी जो है टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डी खान काफ़ी फेमस है, फेमस आर्कोलॉजिकल साइट जो हो गए, काफिर फोर्ट हो गया, और लाल माड़ा के जो मॉन्यूमेंट्स है वो हो गए इस्लामी पीरियड के, उसके साथ साथ रहमान डेरी के, वो भी काफ़ी टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस है। तो इंशाल्लाह उस पर भी कभी अगर मौका मिला तो एक छोटी सी वीडियो मैं बनाऊँगा। बाकी जो है वीडियो आप म्यूज़िक के साथ इंजॉय करें एंड तक, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आ गई तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया, और वीडियो आखिरी तक देखते रहें।